अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचम्बर, बिना ककड़ी के, बिना दही वाला, चना दाल के और मूंग दाल डाल के कचम्बर बना रही हूँ मैं। इसके लिए एक कप भर के थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। चना दाल को के धो के भिगो के रख ली हूँ मैं पानी में धर के। इस तरह का होना चाहिए, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं। और मूंग दाल को भी धो के भिगो के रख ली थी, पानी निथर के रख लियो मैं। इस तरह का अच्छे से दाल भिगना चाहिए। चना दाल मूंग दाल के साथ गाजर ली हूँ मैं, दो बड़े साइज का गाजर को ग्रेट करके रख ली हूँ मैं। दो हरी मिर्ची को काट के रख ली हूँ मैं। आधा नारियल, आधा वाला हिस्सा नारियल को ग्रेट करके रख ली हूँ मैं। फ्रेश कोकोनट होना चाहिए इस रेसिपी बनाने के लिए। हरा धनिया को चॉप करके रख लियो मैं। एक नींबू का रस और नमक जाएगा, इसको बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। एक मिक्सिंग बाउल ले लियो मैं, इसी में डालेंगे भीगा हुआ चना दाल। पानी इधर का डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं डालना पानी। चना दाल को डाली हूँ मैं, अभी इसी में डालेंगे मूंग दाल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक दूसरे को अच्छे से मिक्स होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल देंगे हरी मिर्ची को, गाजर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल देंगे हरा धनिया, कोकोनट को ऐड कर लेंगे। एक टीस्पून से थोड़ा कम नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। इसको तड़का लगाएंगे। तड़का बनाने के लिए तड़का वाला पैन ले ली हूँ मैं, गरम हो चुका है। इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, दो टीस्पून। ऑयल गरम हो चुका है, इसी में थोड़ा चना दाल डालेंगे, आधा टीस्पून, आधा टीस्पून उड़द दाल। इसको थोड़ा गोल्डन होने तक भून लेंगे। गोल्डन हो चुका है, इसी में आधा टीस्पून राई डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। गैस कर देंगे बंद। हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून। कड़ी पत्ता डाल देंगे। तड़का तैयार हो चुका है, कचम्बर में मिला देंगे। इसी में डाल देंगे, इसी में डाल देंगे एक नींबू। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डिश आउट करके बताती हूँ मैं। हमारा मज़ेदार हेल्दी चना दाल, मूंग की दाल और गाजर का कचम्बर बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी, इस कचम्बर की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।